अभी लैंड कर दूं फिर खोल लियो है ना। भारत में जी 31-23 12 चक्की गाड़ी है, और देखिए दोस्तों अगले टायरों की 10 किलोमीटर के अंदर अंदर टायर बिल्कुल नए थे, एकदम खत्म कर दिए। अभी आप भी सुनिए इस चीज को, कब से हुए टायर ये? अभी तो हुए जी, 20 किलोमीटर हो गए जी गाड़ी खाली कर। अच्छा कोई और थे क्या? कहीं लगी लुगी है, कहीं टायर आड़ जैसे मुड़ी है? हाँ टायर आड़ मुड़ी, पीछे टाटो के इंच लगा। हाँ तो कहीं पीछे होते वो मुड़ गई ना टायर आड़। तो दोस्तों मैं लंच करने गया हुआ था, तब तक विपिन ने टायर आड़ खोल के इसको सीधा भी कर दिया, नहीं मैं आपको इसकी मुड़े हुए की भी वीडियो दिखाता। और दोस्तों मैं बताता हूँ क्या बात हुई, और सब कुछ बताने और दिखाने से पहले जो मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहेगी। तो ठीक है दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, और आपको बताता हूँ कि क्या दिक्कत हुई इस गाड़ी के साथ भारत में। और ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि हमारे कहीं प्रोग्राम था, तो मैंने एक ड्राइवर साहब को, थोड़े बुजुर्ग ही थे, तो उनको भेजा चक्कर लगाने के लिए, और उन्होंने कर दिया नुकसान मेरे टायरों का। अब वो क्या बात हुई दोस्तों, ये टायर आड़ बिल्कुल मुड़ चुका था। अब मैं ये ड्राइवर साहब से दोबारा यही बात पूछी मैंने यहाँ पर, तो वो कह रहे कि सिर्फ 20 किलोमीटर का रह गया था हमारा मुजफ्फरनगर, और गाड़ी गई थी मतलब खाली करने के लिए भेजी थी, इनको कोई घर में प्रोग्राम होगा तो ये रुक गए, तो दूसरे ड्राइवर को भेजा, तो ये कह रहे हमारा नुकसान कर दिया। नुकसान ऐसा हुआ कि दोस्तों दोनों अगले टायर बिल्कुल अंदर की कन्नी बिल्कुल आधे गंजे कर दिए दोस्तों, टायर बिल्कुल प्लेन टायर थे, और ऐसे बना दी बिल्कुल धारी जैसी, चाकू से काट के मतलब धारी बनाई जाती हैं टायरों की। और दोस्तों मैं लंच करके आया हूँ, और ये मुड़ा हुआ टायर आड़ बिल्कुल सीधा कर दिया था तब तक फादर साहब ने और विपिन ने, तो चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये बात हुई, ये नुकसान हुआ इस भाई के साथ। दोस्तों देखो जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब भी आप गाड़ी किसी दूसरे मतलब ड्राइवर साहब को देते हो, चाहे आपसे सीनियर है चाहे आपसे छोटी उम्र का है, तो देखो थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन ये जो नुकसान हुआ भाई के साथ ज़्यादा हो गया। अब 235-40 हज़ार का जोड़ा है। अब वो ड्राइवर साहब कह रहे थे ही हमने देकर गलती कर ली, बाकी आपने भी सुना, तो ड्राइवर साहब कह रहे भी हम चले गए थे मतलब इनके कोई प्रोग्राम था, जगराता था या क्या था, तो एक दो दिन का काम था, तो हमने कह रहे 20 किलोमीटर गाड़ी सिर्फ खाली आनी थी, वहाँ से खाली करके गाड़ी यहाँ तक लेके आनी थी, और वो दोस्तों 10 किलोमीटर के अंदर अंदर 15 किलोमीटर के अंदर अंदर टायर बिल्कुल उधड़ गए उधड़। लेकिन अब इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास आए हैं, तो मुझे टायर इन्होंने दिखाए आते ही, और इन्होंने तो जब तक सीधा कर दिया, तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, जो अब देखो ख़त्म हो गए हैं टायर, तो कोई बात नहीं, वो दूसरे ड्राइवर की गलती थी जिसको आपने गाड़ी दी, तो अब आपको मैं टायर बताऊँगा जैसे वैसे ही लगाने हैं। अब टायर आर दोस्तों सीधा कर दिया, लेकिन दोस्तों जब टायर आर मुड़ जाता है ना, तो मुड़ने के बाद दोस्तों लाइन 101% आउट होगी ही होगी, क्योंकि लाइन से ही दोस्तों जो लाइन होती है वो टायर आर से ही होती है, और टायर आर इसका मुड़ गया तो लाइन आउट हो जाएगी। लेकिन अब हमने बिल्कुल सीधा कर दिया है, और इसको कर रहे हैं फिटिंग। ये जब गाड़ी लगी होगी ना पीछे बैक करते हुए या बैक या आगे करते हुए कहीं ना कहीं, ये जब टायर आर तुम्हारा मुड़ा तो तब इसकी लाइन होगी आउट, और उसने टायर देख दिए, ये एक आधे चक्कर में हुआ होगा तुम्हारा काम, ये 20 किलोमीटर होगा। हाँ 20 किलोमीटर सही करें, चल गया आया भाई, जिन्होंने पता नहीं जाने मारी ना गाने मारी, इधर में मारी होगी। हाँ चल भाई। अब दोस्तों ड्राइवर साहब यही बोल रहे हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो, ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि पता नहीं लोड गाड़ी मारी है, जान के मारी है, या उनसे और मतलब अपने आप ही लगी, नीचे पत्थर आया हो या क्या है, या खा पी के कुछ काम हुआ, तो ये तो बार बार मुझे यही बताई जा रहे थे कि यार हमारा नुकसान हो गया और ऐसे ऐसे करके। मैं कहा देखो ये तो थोड़ा सा अब आपको सबर का घूंट पीना ही पड़ेगा, जब गाड़ी दी थी तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। दोस्तों ये ट्रक की बात नहीं है, अगर आप कोई भी व्हीकल है, अपना बाइक है चाहे कार है, कोई भी चीज़ देते हो, तो दूसरे के हाथ में देने से कम 100 बार सोचिए। और चलो अपना भाई मित्र है तो अलग बात है, लेकिन अब इन्होंने ड्राइवर साहब ने दूसरे ड्राइवर को दी, तो बस हो गया चलो जैसा भी है, लेकिन इनके टायरों का काफ़ी नुकसान हुआ है, आपको टायर भी दिखाऊंगा। लेकिन मैंने कहा आप चिंता ना करो, अब जो ख़त्म हो गए हैं टायर हो गए हैं, लेकिन इसको मैं बराबर करवा दूंगा, जो टायरों की एकदम धारी बनी हुई है इनको मैं बिल्कुल बराबर करवा दूंगा, और दोस्तों लाइन में भी 101% इसमें फ़र्क है, और लाइन इनकी करवाएंगे, लेकिन टायर ऐसे नहीं छोड़ने, इनकी लाइन करवाने के बाद मैंने इन्हें बता दिया टायर कैसे लगाने हैं, और टायर ऐसे ही लगवा के इस गाड़ी को रवाना करेंगे, क्योंकि ये अगर हमने ऐसे ही लगा दिए तो टायर इनके और खा जाएगी गाड़ी। ये जब भी गाड़ी, ये तुम्हारे नहीं है कोई भी हो, जब भी गाड़ी मतलब चक्कर लगाने के लिए दो ना, तो कोई ना कोई नुकसान ही करता है कोई ड्राइवर, जो जिम्मेदार हो जिम्मेदारी हो जाए यार,
ड्राइवर हर तरीके के हूँ। चलो कोई नहीं, आपको आदमी दिखा रहे हाथ से डालने को बात, लेकिन यह है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा आप चिंता ना करो, अब जो बीत गया, लेकिन अब आपका बुरा नहीं होगा। अब ये जो टायर है मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाने। तो फिलहाल तो दोस्तों इसकी मैं कर रहा हूँ लाइन चेक, और लाइन में इसमें अब पता लगेगा कितना फ़र्क है। और लाइन करने के बाद इसमें टायर आड बिल्कुल हमने सीधा कर दिया, तो गाड़ी का काम हो गया ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और है, अगर ये गाड़ी हमारी गुरु नानक वर्कशॉप से कहीं और होती तो मेरे ख्याल से 90% कोई भी अगर मैकेनिक बंदा होता तो चलो टायर आड तो होता ही होता, लेकिन टायरों को देख के उस बंदे ने ऐसे कह देना था जी इसका फ्रंट एक्सल खुलेगा, क्योंकि ये ड्राइवर साहब ने ही मुझे बताया, कह रहे जी आपके पास लाने से पहले मैंने दो जगह दिखाई गाड़ी और दोनों ने यही कह दिया था कि टायर तो ठीक है, चलो टायर आड मुड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो है आपको फ्रंट एक्सल करवाना पड़ेगा, टायर बहुत ज़्यादा खा रखे हैं। लेकिन दोस्तों फ्रंट एक्सल से कोई लेना देना नहीं है, जो टायर दोनों साइड से खा रखे हैं, और 10 से 20 किलोमीटर में जैसे आपके ड्राइवर साहब ने बताया उधेड़ दिए टायर, और वो इसलिए उधेड़े हैं क्योंकि टायर आड मोड़ दिया, बैक करते हुए कोई पत्थर आ गया हो या किसी चीज़ में हमारी अब पता नहीं क्या था। और टायर आड जब मुड़ जाता है दोस्तों तो लाइन आपकी 101% आउट होनी ही होनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जब टायर आड सीधा हो गया लाइन इसकी सही हो जाएगी। अब टायर मैं ऐसे नहीं छोड़ने, टायरों को इधर उधर या साइड पलटी वो मैंने इन्हें बता दिया कैसे होने हैं, और टायर इनके एकदम सूंघेगी भी नहीं गाड़ी, टायर बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि ये भी सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, अगर आपने टायर सही करके लगवा दिए ना तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी। मैंने तो हंसी मजाक में कह दिया आप मुझे गाड़ी में रखो, अगर आपकी गाड़ी टायर भी खा जाए टायर नहीं खाने दूंगा आपकी। और इसकी कर दिया दोस्तों हमने लाइन चेक। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय रखना, भाई इसको भाई ने जो गाड़ी दी मतलब देनी चाहिए गाड़ी या नहीं देनी चाहिए, तो आपका भी कमेंट में वेट करेंगे। लेकिन चलो इसकी तो हमने लाइन कर दी है अब, और टायरों से ओके कर देंगे, भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों ये देखिए टायर वाला मैंने बुलाया है, और लाइन करने के बाद मैंने कहा टायर दोनों साइड के खोल के और इनकी साइड वगैरह पलटी कराओ, और उसके बाद गाड़ी एक महीने तक बिल्कुल ऐसे ही चलानी है, और उसके बाद मुझे 15-20 दिन बाद आप ऐसे दिखा देना, नहीं तो एक महीने तक आपके टायर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये जो धारी सी बनी हुई है बहुत बुरी तरह धारी बनी हुई है, जैसे चाकू के साथ काटे होते हैं टायर, ऐसे पूरी मतलब हाथ फेरने पर पता लगता है। और इस साइड के भी हमने टायर खुलवा दिए हैं, तो इसकी करवाएंगे साइड पलटी, फिर इसको फिट करवाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय 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 और बाय बाय। भाई ने टायरों को ना एक महीने तक चलाइयो, कम से कम छेड़ियो ना। अच्छा बराबर हो जाएंगे टायर, तार लो जैक हो गया।